जैसे जैसे झज्जर नगर परिषद के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी कमर कस रही है। उसी कड़ी में आज झज्जर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिले सिंह सैनी ने घर घर जाकर वोट की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं उनके बारे में बताया और बताया कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो झज्जर का विकास करा सकती है। झज्जर को अगर तरक्की करनी है तो आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है और मैं वादा करता हूं आपके मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं आएगी। लगातार शहर का दौरा कर रहे हैं, हर वार्डों में घूम रहे हैं, इस तरह का रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को और खुद आपको मिल रहा है? देखिए, हम कई दिन से वार्डों का दौरा कर रहे हैं, डोर टू डोर हम सभी के पास जा रहे हैं। जहाँ तक रिस्पांस का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से अलावा यहाँ कोई नहीं है। रिस्पांस इतना बढ़िया है कि हर भारत झज्जर नगर परिषद का हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनहित के बहुत से कार्य किए हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि झज्जर के 19 वार्डों में जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधान पद से उम्मीदवार है, जिसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर सौंपी है, हम सभी भारी बहुमत से विजयी होंगे। यहाँ विपक्ष के नाम पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष पहले ही मैदान छोड़ के भाग चुका है। कांग्रेस पार्टी एकमात्र विपक्ष था, वो पहले ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव पर अपने सिंबल के पार्षद और प्रधान पद भारी बहुमत से विजयी होंगे, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगी। चेयरमैन के प्रत्याशी थे इस वर्षा में, उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, तो क्या लगता है उससे ग्राफ बढ़ेगा, वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी? नहीं, देखिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही है। ये बात ठीक है कि टिकट ना मिलने के कारण उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार का नामांकन भरा था और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी बातचीत के बाद वो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसके समर्थक में अपना चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। हमें